कहूँ तो समझो बहुत बड़ा अमल है, बहुत नायाब अमल होगा। और जब मैं आपको कहूँ कि मुक्कल की हाजिरी का अमल है तो सोचें उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप बग़ैर ज़कात के भी अमल के मुशाहदात कर सकते हैं। आप अगर 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, तो बग़ैर ज़कात के भी आप अमल के जो मौक़े हैं वो उनको देख सकते हैं। मगरिब से कुछ देर पहले आप तमाम तरीक़े जैसे आपको शरायत के हिसाब से बताया जाए आप लाजमन उनको सुन के तो बग़ैर ज़कात के भी जो मुकलात की हाजिरी कर सकते हैं, ठीक है। और जो तस्खीर के हैं उनको ज़कात के साथ। इस अज़ाए मुबारक को आपने परहेज जमाली और जलाली के साथ और पाबंदी नमाज के साथ खुलूस दिल से 11 रोज बिला नागा 323 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 5-5 मरतबा लाजमन पढ़ें। आखिरी दिन मौकल हाजिर होगा, आप उससे शरायत तय कर लें। ये रूहानी मौकल है, ये आपको कभी तंग भी नहीं करेगा। और सिर्फ मेहरबानी करके इनसे जायज़ काम लिया करें, गलत काम की कोई गुंजाइश नहीं है। इस अमल को सिर्फ अहले खाना शख्स ही कर सकता है, इसलिए हर शख्स जो ताबे आजमाई ना करे अमल के लिए इजाज़त लेना बहुत लाजिम है, ताकि आपके लिए दुआ की जाए। आयात स्क्रीन पर चला दी गई है, आप वहाँ से भी आप कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको पढ़कर भी सुना दूंगी। कॉपी चल रही है, कॉपी पेंसिल से आप यह आयात को उतार लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या लतीफ़ या खफ़ीयु खफ़ीयुल अल्ताफी अदरिकनी 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 लुत्फिका लुत्फिकल खफ़ी खफ़िल्लज़ी मिन मिनल तिफत बिही कफ़ा। आयात को गौर से देखकर स्क्रीन से भी उतार लीजिएगा। कभी से लेकर आप जैसे जैसे बताया है वैसे आप कीजिएगा और परहेज लाजिम है। इस वीडियो के आखिर में आपको तमाम शरायत से आगाह कर दिया जाएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.